करण जौहर को माफी मांगनी चाहिए। इस तरह का जो है बयान सुशांत के परिवार के करीबी निलोत्पल मृणाल की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि करण जौहर ने जो किया है सुशांत के साथ उसके लिए उन्हें माफी जरूर मांगनी चाहिए। अपने पोस्ट पर उन्होंने करण का 14 जून का एक पोस्ट शेयर किया है जो करण ने सुशांत की तस्वीर के साथ शेयर किया था, जिसमें करण ने लिखा था, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग, आई हैव सच स्ट्रॉन्ग मेमोरीज ऑफ द टाइम्स वी हैव शेयर, आई कैन बिलीव दिस, रेस्ट इन पीस माई फ्रेंड, वेन द शॉक सबसाइड्स ओनली द बेस्ट मेमोरीज विल रिमेन। तो इस तरीके का उन्होंने एक पोस्ट डाला था। और जब उनके इसी पोस्ट को दोबारा से शेयर करते हुए निलोत्पल मृणाल लिखते हैं, यू इंसल्टेड हिम इन यूअर चीप शो 10 टाइम्स इन अ रो, इफ यू हैव सम ह्यूमैनिटी इफ यू हैव सम ह्यूमैनिटी लेफ्ट, नंबर वन गिव एन अपॉलोजी इन राइटिंग पब्लिकली फॉर द इंसल्ट यू डिड, लीव द बॉलीवुड एंड डोंट प्ले विद पीपल इमोशन। तो उन्होंने कहा है करण जौहर को कि आपने अपने शो में, करण जौहर ने अपने जो कॉफी विद करण शो था उसमें जिस तरीके से सुशांत की इंसल्ट की है उसके लिए आपको पब्लिक अपॉलोजी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आपको तो बॉलीवुड छोड़ देना चाहिए और लोगों के इमोशन से नहीं खेलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है करण जौहर के लिए जो है लोगों का गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। लगातार जो है अभी भी करण जौहर को लेकर लोग आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कल ही 2 महीने बाद लगभग इंस्टा पर वापसी की। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने इंडियन फ्लैग की तस्वीर को डाला, जाहिर सी बात है ट्रोलिंग से बचने के लिए, क्योंकि ट्रोलर्स जो हैं जाहिर सी बात है कि कभी भी इंडियन फ्लैग के नीचे कुछ भी गलत कमेंट नहीं लिखेंगे। लेकिन गुंजन सक्सेना के अगर मैं बात करूं तो ट्रेलर में से भी करण का नाम निकाला गया। और अब जो है करण जौहर से निलोत्पल मृणाल ने अपील की है कि उनको जो है पब्लिकली अपॉलोजी मांगनी चाहिए, बॉलीवुड छोड़ देना चाहिए और लोगों के इमोशन से नहीं खेलना चाहिए।